सीवी रमन, अमर्त्या सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब वो नाम हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाए जाते थे, जिन लोगों ने नोबेल प्राइज जीतकर भारत का नाम रोशन किया। नोबेल प्राइज को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज कंसिडर किया जाता है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पीस जैसी फील्ड्स में। मगर ये किसी गवर्नमेंट ने या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट नहीं किया, ये स्टार्ट किया था सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी ने, जिसका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ट नोबेल। बट एक आदमी ने जो अपने नाम पे अवार्ड स्टार्ट किया, वो वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया, कैसे वो इतना रेस्पेक्टेबल बन गया कि उसके बराबर का कोई अवार्ड ही नहीं है साइंस में, पीस में या इकोनॉमिक्स में। ऐसा क्या खास है इस नोबेल प्राइज में, कैसे ये स्टार्ट किया गया था और कैसे ये इतना फेमस बना, इसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। अल्फ्रेड बर्नहार्ट नोबेल ने 1895 में अपनी एक विल लिखी थी, जिसमें उन्होंने 5 ऐसे प्राइज एस्टैब्लिश किए जो ऐसे लोगों को दिए जाएं जिन्होंने मैनकाइंड का, ह्यूमन काइंड का बहुत बड़ा बेनिफिट अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी के रूप में किया है। ये नोबेल प्राइजेस 5 फील्ड्स में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन में रहने वाले एक केमिस्ट थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनको जाना जाता है डायनामाइट के इन्वेंशन के कारण। 1833 में इंजीनियर्स की एक फैमिली में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने करियर में वेपन्स पर बहुत काम किया। उन्होंने बैलिस्टाइट, कोर्डाइट जैसे स्मोकलेस एक्सप्लोजिव्स का इन्वेंशन किया था। कुल मिलाकर 355 वेपन्स रिलेटेड इन्वेंशंस उनके नाम पे थे, जिसमें से सबसे फेमस इन्वेंशन था डायनामाइट का। और वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस ठप हो जाए, वेपन्स का बिजनेस कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वॉर्स हमेशा चलती रहती हैं। इस कारण उन्होंने एक बहुत बड़ा फॉर्चून, एक बहुत बड़ी वेल्थ इकट्ठी कर ली थी अपने इस डायनामाइट इन्वेंशन के कारण। मगर 1888 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनके खुद के डेथ की न्यूज़ एक न्यूज़पेपर ने छाप दी थी जबकि वो जिंदा थे। दरअसल हुआ ये था कि अल्फ्रेड के ब्रदर की डेथ हुई थी और न्यूज़पेपर्स ने मिस्टेकनली ये समझ लिया कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई है। इस न्यूज़पेपर में उनकी डेथ की न्यूज़ की हेडलाइन थी, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। और ये हेडलाइन पढ़कर उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि पूरा वर्ल्ड उनके जाने के बाद में उनको किस तरह से याद रखेगा। उनको हमेशा एक ऐसे आदमी की तरह याद रखा जाएगा जिसने वर्ल्ड में बहुत बड़ी तबाही मचाई डायनामाइट के इन्वेंशन के कारण। और इस चीज ने उन्हें इंस्पायर किया अपनी विल को मॉडिफाई करने के लिए। 1896 में उनकी डेथ के बाद में उनकी आखिरी विल पढ़ी गई और सभी को जानकर ये शॉक लगा कि उन्होंने अपनी वेल्थ का 94% पार्ट डोनेट कर दिया था। उन्होंने अपने विल में लिखा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हो जो अलग अलग फील्ड्स में लोगों को प्राइज दे इस मनी को यूज करके। और ये प्राइज सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनकी डिस्कवरीज ने, जिनके वर्क ने ह्यूमैनिटी को बहुत बड़े फायदे पहुंचाए हैं। और उन्होंने अपने विल में इस वर्क की फील्ड्स भी डिसाइड करके रखी थी। उन्होंने अपने विल में कहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन की फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाएं। और इन 5 नोबेल प्राइजेस को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दी। और उनके इसी डोनेशन के बेस पर आज तक नोबेल प्राइज कमिटीज ये अवार्ड्स देती आ रही हैं। अब इन 5 अवार्ड्स में लगभग 70 साल बाद 1968 में एक और अवार्ड जोड़ा गया। स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने कुछ डोनेशन किया जिससे एक नया अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया जो था इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। और अल्फ्रेड नोबेल के फैमिली मेंबर्स आज भी आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज रियल नोबेल प्राइज नहीं है। सारे के सारे नोबेल प्राइजेस स्वीडन से दिए जाते हैं, जबकि एक नोबेल प्राइज जो कि पीस का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे से दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपने विल में साफ साफ लिखा था कि पीस का प्राइज नॉर्वे से दिया जाए। पता नहीं क्यों लिखा था, ये राज उनके साथ चला गया। अब ये तो थी स्टोरी कि नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश कैसे हुआ। अब ये बात करते हैं कि नोबेल प्राइज मिलता कैसे है। नोबेल प्राइज लेने के लिए हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि घर बैठे आप एक फॉर्म भर के भेजें कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए और नोबेल कमेटी उसको कंसिडर करेगी। नोबेल प्राइज की एक कमेटी एस्टैब्लिश्ड है जो लगभग 3000 लोगों को पूरे वर्ल्ड में नॉमिनेशंस के लिए लेटर भेजती है कि आप नोबेल प्राइज जीतने के लिए एक आवेदक बन सकते हैं, आप आवेदन कीजिए। ये इंडिविजुअल्स प्रोमिनेंट पीपल होते हैं, साइंस की फील्ड में रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या फिर लिटरेचर में बहुत बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड राइटर्स होते हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, या फिर पीस की फील्ड में बड़े पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। नोबेल प्राइज कमेटी कभी कभी गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट भेजती है कि आप भी पीस की फील्ड में अपने यहाँ से कोई अच्छे आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और लगभग इन 3000 नॉमिनेशंस में से नोबेल प्राइज की कमेटी 300 नॉमिनेशंस को रिकमेंड करती है। मगर नोबेल फाउंडेशन की जो गाइडलाइंस है उनमें क्लियरली लिखा है कि नॉमिनेशंस को कभी भी रिवील नहीं किया जाएगा। नोबेल प्राइज जीतने के लिए कौन कौन लोग नॉमिनेट हुए थे
ये 50 साल तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और नॉमिनेट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिल गई। लीस मेटनर, जिन्होंने एटम को स्प्लिट करने में हेल्प की थी, उनको 48 बार नॉमिनेट किया गया, मगर एक बार भी उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। नोबेल प्राइज जीतने वाले साइंटिस्ट जनरली बहुत बड़ी पजल को या बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, MRI मशीन्स के इन्वेंशन करने वालों को, HIV वायरस को आइडेंटिफाई करने वाले को, या फिर DNA के स्ट्रैंड्स को आइडेंटिफाई करने वालों को, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इनमें ये जो साइंटिफिक फील्ड के अवार्ड्स हैं, ये तो काफी स्ट्रेट और सिंपल होते हैं। इनमें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि किसकी डिस्कवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर ये जो पीस प्राइज है, ये बाय फार काफी पॉलिटिकल नोबेल प्राइज है। और बाकी अवार्ड से ये अलग इस तरह से है कि ये एक पर्सन को ना देकर एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन को, रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस के लिए। मगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी ये पीस प्राइज जीतते हैं। मार्टिन लूथर किंग को ये अवार्ड मिला था। 2014 में इंडिया के कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल प्राइज फॉर पीस जीता था। और ये प्राइज जीतने के बाद में नॉर्मल साइंटिस्ट की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइज ही नहीं दिया जाता, इनमें एक कैश अवार्ड भी दिया जाता है, लगभग 7.5-8 करोड़ रुपए का। मगर इसमें एक कैच ये रहता है कि अगर एक से ज्यादा लोग एक नोबेल प्राइज को शेयर कर रहे हैं, तो वो प्राइज मनी भी उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर नोबेल प्राइज फॉर पीस 2 या 3 लोगों को किसी ईयर में मिला है, तो वो 7.5-8 करोड़ रुपए उनमें इक्वली बट जाते हैं। मगर कुछ नोबेल प्राइज लॉरेट्स ये मानते हैं कि उनको जो गोल्ड मेडल मिलता है इस प्राइज में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे के कंपैरिजन में। 2014 में जेम्स वॉटसन ने अपना नोबेल प्राइज का गोल्ड मेडल ऑक्शन किया था लगभग 25 करोड़ रुपए में, जिसे रशिया के रिचेस्ट आदमी ने खरीद लिया और वापस उन्हीं को रिटर्न कर दिया। नोबेल प्राइज जीतने वालों की लाइफ में पैसे के साथ साथ और भी कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। जनरली ये चेंजेस साइंस की फील्ड वाले लोगों में आते हैं। साइंटिस्ट जो अपनी पूरी लाइफ में अपनी लैबोरेटरी में बैठ के अपने काम पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, वो एक ही रात में माइनर सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उनके आर्टिकल्स जर्नल्स में पब्लिश होना चालू हो जाते हैं, लोग उनकी बातों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट्स उनको इनवाइट करती हैं कुछ प्रोग्राम्स में अपनी एक्सपर्टीज देने के लिए। कुछ लोग पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस में चले जाते हैं, मगर कुछ जो कोर रिसर्चर्स होते हैं, जिनको अपना काम एकांत में करना पसंद है, उनको ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग लगती हैं। नोबेल लॉरेट आंद्रे गेम ने ये बोला था कि नोबेल प्राइज जीतने का सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि लोग हर जगह उनको क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अब नोबेल प्राइज के जेंडर रेशियो की भी बात करते हैं। वैसे तो ये प्राइस किसी भी जेंडर में डिफरेंशिएट नहीं करता, किसी भी रेस में डिफरेंशिएट नहीं करता, मगर स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि वुमेन कंपैरेटिवली बहुत कम नोबेल प्राइज जीत पाई हैं कंपेयर टू मेन। कुछ साल पहले डोना स्ट्रिकलैंड को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में, और 54 साल बाद किसी लेडी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था उस साल। केमिस्ट्री में आज तक सिर्फ 8 वुमेन नोबेल प्राइज जीत पाई हैं, और इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 वुमेन आज तक नोबेल प्राइज जीत पाई है। इन नोबेल प्राइज की स्टैटिस्टिक्स में एक वेस्टर्न बायस भी नजर आता है। 1901 से लेके आज तक 81% नोबेल प्राइजेस USA, कनाडा और यूरोपियन लोगों ने जीते हैं। मगर इन स्टैटिस्टिक्स को देखने से पहले हमें कई सारी और चीजें भी सोचनी चाहिए। नोबेल प्राइजेस जनरली किसी रिसर्च, किसी डिस्कवरी के बहुत सालों बाद दिए जाते हैं, जब उसका इम्पैक्ट पता चलता है। और पिछले 10-15 सालों में जो नोबेल प्राइज मिले हैं, वो बहुत पुरानी 50 साल पुरानी डिस्कवरीज के लिए दिए गए होंगे। और 40-50 साल पहले की बात हम करें तो फीमेल्स का रिसर्च में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो इस फील्ड में जाया ही नहीं करती थी, उनकी लिटरेसी रेट कम थी, उनके लिए एवेन्यूज ओपन नहीं थे। दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न बायस की बात करें, तो यूरोपियन कंट्रीज का पूरे वर्ल्ड पर रूल हुआ करता था, और डेवलपिंग नेशंस में इतनी एजुकेशन नहीं थी, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी रिसर्च करने की कि उनके लोग आगे आकर नोबेल प्राइज जीत पाए। तो जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों ने ही पहले नोबेल प्राइज काफी ज्यादा जीते, इसीलिए इन स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। और कोई भी स्टैटिस्टिक्स कितनी भी गलत क्यों ना लगे, नोबेल प्राइज कमिटी को बहुत ही सेक्रेड इंस्टीट्यूट कंसिडर किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और पूरा वर्ल्ड उनकी इक्वली रेस्पेक्ट करता है, उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करता है। और अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, नोबेल प्राइजेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है, फेयरनेस। नोबेल प्राइज कमिटी को इतना अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है कि इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, फेयरनेस बहुत ज्यादा है, और ट्रू कंट्रीब्यूटर्स को ही ये अवार्ड दिया जाता है। कमिटी अपने हिसाब से प्राइज नहीं देती, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ में डिस्कशन किया जाता है कि किस तरह के रिसर्च से क्या बेनिफिट हुए हैं, और उसे ही ये अवार्ड दिया जाता है। साइंस की फील्ड में तो इसे बहुत ही सीक्रेट कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट जो नॉमिनेशंस आते हैं, उनके रिव्यूज भी लोग ओपनली लिख पाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगले 50 साल तक ये नॉमिनेशंस, ये फाइंडिंग्स, ये राइटिंग्स रिवील नहीं किए जाएंगे। अगर ये रिवील होने लग जाएं, तो लोग इनके बारे में नेगेटिव रिव्यूज लिखने से भी डरेंगे, सोचेंगे कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि एक दूसरे का पीयर रिव्यू करके ही साइंटिफिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश होती है। इन्हीं सब रीजन से नोबेल प्राइज इतना इंपॉर्टेंट बना, और एक कास्केडिंग इफेक्ट भी हुआ इसका।
नोबेल प्राइज को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, गवर्नमेंट्स उसको कंसिडर करने लगी। उसको कम्पीट करने के लिए कोई दूसरा अवार्ड नहीं है, इसकी प्राइज मनी ज़्यादा है, इसका रिकॉग्निशन ज़्यादा है, और ये प्राइज एक ट्रेंड सेटर है इन फील्ड्स के अंदर हाइएस्ट अचीवमेंट पाने वालों के लिए। कुल मिला के एक ट्रेडिशन बन गया है कि नोबेल प्राइज जीतने का मतलब है कि आपने वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है। अब नोबेल प्राइज जीतने लायक तो नहीं, पर मैंने भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कई सारी डिस्कवरीज करके कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं, जो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो मुझे एनकरेज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक मुझे जरूर लिख के भेजिए। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।